पेंटिंग्स नहीं, बैटिंग नहीं। तो गाइस गुड नून, क्योंकि 12 बज चुका है तो अब गुड मॉर्निंग बोलने का तो कोई मतलब है नहीं। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी YouTube टीम की तरफ से और हमारे YouTube के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से। आप सभी लोगों ने 1 जनवरी को क्या क्या किया आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर मेरी बात की जाए तो मेरा कोई अभी बेसिकली कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, वैसे तो घूमने बाहर जाते ही रहते हैं। आज मैं अपने मामा जी के घर पर जा रहा हूँ और वहाँ पर एक छोटा बेबी है जिससे मिलेंगे, जिसका नाम निदेश है। आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में जरूर देखा होगा उसको। गाइस फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये है गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, ये जो लाइन है वो वॉलेट लाइन है। यहाँ से जाएंगे हम कालका जी और कालका जी पर आएगी मैजेंटा लाइन जो कि सीधे जनकपुरी की तरफ जाती है। वॉलेट लाइन से मैजेंटा लाइन के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा वहाँ पर सफर तय करना पड़ता है पैदल ही। और उसके बाद जब हम जनकपुरी पहुँचेंगे ना, जनकपुरी पहुँचने के बाद वहाँ पर काफ़ी लंबा एस्केलेटर है जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ और आपने भी देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। एस्केलेटर पकड़ लिया है भाई, क्यों ये नहीं पूछोगे? क्योंकि काफ़ी दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ ना, इस वजह से। एंट्री लेते हैं मेट्रो में, देखते हैं गाइडलाइन क्या क्या यहाँ पर चल रही है। वैसे तो 50% मेट्रो चल रही है और 50% ही लोग उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे साथ क्या सीन होता है। सबसे पहले तो मुझे अपना कार्ड रिचार्ज कराना पड़ेगा क्योंकि कार्ड में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 रुपये पड़े होंगे, उससे क्या होता है। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये सामने क्या है। आप पहले गैस करिए क्या है, अब आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये लोटस टेम्पल है और जो इसके बगल में एक और मंदिर दिखाई दे रहा है ये कालका जी मंदिर है। और नेहरू प्लेस में आप लोगों को दिखा देता हूँ, सामने जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है नेहरू प्लेस, जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लगता है, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। ठीक है गाइस, हमारी मेट्रो आ गई है, अब मेट्रो में लेते हैं एंट्री, खोलते हैं गेट। ओके, लेते हैं एंट्री। गाइस फाइनली आई रीच्ड कालका जी मेट्रो स्टेशन। आई विल चेंज हियर मैजेंटा लाइन। जो लोग भी कालका जी मेट्रो स्टेशन पर मैजेंटा लाइन से आते हैं और वॉलेट लाइन पर जाना चाहते हैं वो लोग इधर से आते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं मैजेंटा लाइन के लिए जो कि जाती है मेट्रो जनकपुरी तक। इधर आप बाहर से व्यू देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा लोटस टेम्पल यहाँ से दिखाई दे रहा है जो कि पास में ही है। बड़ा ही अच्छा पार्क यहाँ पर बना रखा है। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और आपको एक पुराना स्मार्टफोन चाहिए और वो पुराना स्मार्टफोन एकदम जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी ना हो और आपको सही रेट पर भी मिल जाए, तो आप कैसीफाई से ले सकते हैं जो आपको मेट्रो स्टेशन पर, हर एक मेट्रो स्टेशन पर तो नहीं लेकिन 60-70% मेट्रो स्टेशन पर ये आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कैसीफाई की ये ऑफिशियली यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं हर मेट्रो स्टेशन पर। अगर आप इसकी डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं, कैसे क्या ये फोन देते हैं, कितने सस्ते देते हैं, कितने ऑफर देते हैं, तो इसकी वीडियो आपको टेक्निकल SHT YouTube चैनल पर डेडिकेटेड मिल जाएगी। आप चैनल पर जाइए और उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेट्रो में जो गाइडलाइन है सभी लोग उसका अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं लोग सभी लोग डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं और कोई भी स्टैंड बाई नहीं है, यानी कि कोई भी खड़ा होकर नहीं जा रहा है और सभी लोग डिस्टेंस बनाकर भी ट्रेवल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी सारी सीट खाली है, सभी सीटें खाली हैं और जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ पर भी डिस्टेंस लेकर ही बैठ रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग कुछ लोग खड़े हैं वो अपनी मर्जी से ही बस खड़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये हम लोगों को भी इसका पालन करना पड़ेगा। आप भी इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा और आप भी मास्क लगाकर चलिएगा, हैंड सैनिटाइज करिएगा, आंखों को बार बार धोइएगा, तभी तो ओमिक्रॉन को भी अपना भारत हरा पाएगा। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर। अब यहां से मैं ब्लू लाइन के लिए चेंज कर रहा हूं। यस, तो अब चढ़ते हैं एस्केलेटर पर। आप लोग देख सकते हैं ये एस्केलेटर जो है काफ़ी ऊंचा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैमरा ये साइड करके, आप लोग देखिएगा काफ़ी लंबा एस्केलेटर है। मैंने इतना लंबा एस्केलेटर केवल यहीं पर देखा है। ठीक है, और इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर आज के 2-3 साल पहले भी डाल चुका था, तब मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं करता था, अब मैं प्रॉपर ब्लॉग करने लगा हूँ तो आपको दोबारा से दिखाना तो बनता है भाई। ये देखिए
अभी 50% मैं नहीं चढ़ा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे ये हो गया है और लगभग अभी हाँ 50 हो गया है। ओके, ऊपर पूरा चढ़ते तब आपको दोबारा से ये दिखाते कितनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। आ जाओ भाई आ जाओ गैस। वैसे नॉर्मली एस्केलेटर पर ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इस वजह से भाई सेफ्टी तो बनती है। ठीक है गैस, ये देखिए कितना ज़्यादा ये। चलो फाइनली आ गए हम ऊपर और अब यहाँ से पकड़ते हैं ब्लू लाइन और ब्लू लाइन पर जाने के बाद हम जाएंगे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन। ओके गाइस बने रहिएगा, आगे कैरी ऑन। भाई देखो सफ़र को ना एंजॉय करना चाहिए, तभी आपका जो सफ़र है जो आपकी जर्नी है वो आराम से निकलेगी। ठीक है, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तो मज़े नहीं आने वाले, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक मुकाम पर पहुँच जाए उसके बाद एंजॉय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे ही फालतू में एंजॉय करने से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टाइम टाइम पर थोड़ा बहुत तो अपने आप को खुश रखना ही पड़ेगा। जीप चौक इधर से जाएगी? किधर? फिर जीप चौक, राजीव चौक जाना है आपको जी। उधर जाइए, वो वाली मेट्रो जाएगी, नीचे से जाइए आप, इधर वाले स्टेयर से जाइए और उस वाले प्लेटफॉर्म पर आइए आप। इधर से नीचे से? हाँ इधर से आप नीचे जाओ और नीचे जाके उस वाले प्लेटफॉर्म पर जाओ आप। इधर जाना पड़ेगा? इधर नहीं, नीचे नहीं, यहाँ से नीचे जाओ। हाँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ना जहाँ ये मेट्रो खड़ी है उसके नीचे से होके ऊपर आ जाओ। ठीक है, उस वाले प्लेटफॉर्म पर आना है आपको, ये वाली मेट्रो जाएगी। ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। है एक नंबर है प्लेटफॉर्म, ये आपकी जाएगी द्वारका की साइड, राजीव चौक आपको जाना है। जाना तो मेरे कैलाश कॉलोनी है, लेकिन कैलाश कॉलोनी कहाँ जाना है आपको? कैलाश लाजपत नगर मूलचंद यहाँ जाना है आपको, है ना? आप एक काम करो, यहाँ से वॉलेट लाइन पकड़ लो, नहीं सॉरी मैजेंटा लाइन पकड़ो। ठीक है, आप पहुँच जाओगे, रुको आपको कैलाश कॉलोनी जाना है, लाजपत नगर मूलचंद कैलाश। आप एक काम करो, आप यहाँ से कालका जी के लिए पकड़ लो। ठीक है, यहीं पर ये वाली जो गई है वो ट्रेन छोड़ के आया है। तो जाना कहाँ है आपको? वैसे यहीं पे जाना था, कैलाश कॉलोनी। हाँ तो वहीं जाइए ना आप, इससे नहीं मिलेगी ये, यहाँ से डबल ट्रेन दिखा रहा है, यहाँ से जनकपुरी से लेके तिलक नगर स्वास्थ्य नगर होते हुए ना। हाँ, करोल बाग मंडी हाउस पे चेंज करने के लिए है मंडी हाउस। हाँ तो मंडी हाउस पर अगर आप यहाँ इस वाले रूट से जाना चाहते हो तो फिर आप एक काम करिए, उस वाले प्लेटफॉर्म पर जाइए, यहाँ से नीचे होकर उस वाले प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ से जो आपको ट्रेन मिलेगी मतलब मेट्रो जो मिलेगी वो डायरेक्ट आपको मंडी हाउस तक मिल जाएगी। ठीक है, फिर मंडी हाउस से फिर आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा वॉलेट लाइन के लिए, डायरेक्ट वॉलेट लाइन। ये आपको तो वो डायरेक्ट तो यहाँ तक नहीं जा रही थी कैलाश कॉलोनी, वो आपकी जा रही होगी, मैं आपको बताता हूँ, वो जाएगी कालका जी तक। ठीक है, कालका जी से आप वो वाली पकड़ लीजिएगा, वहाँ से कैलाश कॉलोनी है कितना दूर, एक दो मेट्रो स्टेशन होगा। आप इस वाले अगर रूट से जाना चाहो तो आप यहाँ से नीचे उतर कर जाइए, ये जो फ्लोर बना हुआ है इससे नीचे आप उधर आ जाइए, देखिए वो लोग आ गए। ठीक है, राजीव चौक के आगे होगा मंडी हाउस, मंडी हाउस से आप उधर चले जाइएगा। ठीक है भैया, चलो जी हमारी एक तो मेट्रो छूट गई भाई, रास्ता सभी लोगों को बताना चाहिए, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि कई बार क्या होता है सभी लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, हम भी कई जगह जाते हैं, बहुत से लोगों से पूछते हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग थोड़ा गुमराह कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो डेडिकेशन के साथ नहीं बताते हैं ना, वो बता देते हैं इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, ये चीज़ गलत है। थोड़ा उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि भाई आप आसानी से कहाँ पर पहुँच सकते हो, जाने के तो कई सारे रास्ते हैं लेकिन आसान रास्ता बताओ ना जिसमें वो कम्फर्टेबल हो। ठीक है जी, मैंने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दो रास्ते उनको बता दिए, अब बोल रहे हैं कि इस वाले रास्ते से वो नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप उस वाले रास्ते से चले जाइएगा। किसके लिए लेकर आए हो? दादा के लिए। दादा के लिए? दादा की है। और खा तो आप रहे हो? रिश्वत। इधर देखो इधर।
कैसा है? ये मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। टेस्ट पता है? मिर्च तो नहीं लग रही इसमें? इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, फिर ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा लंच आ चुका है न्यू ईयर पर। अभी रोटी नहीं आई है लेकिन सब्जियां जो हैं वो आ गई हैं। चलिए उसका भी वेट कर लेते हैं। डुगू, हे डुगू, हाय बोलो। हाय। क्या कर रहे हो? मुझे प्यास। हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स? बैटिंग। तो प्यास। क्या प्यास है? इसको काटे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आया समझ? नहीं आया। नहीं आया तो आया। अच्छा आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारे न्यू ईयर पे लंच आ चुका है। मामी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करना तो भूल ही गया, अभी एंड में बाद में शूट कर रहा हूँ। कितनी तारीख के लगभग? 3 तारीख के लगभग। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ये कोरोना वाले केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि घर से ना निकले, और निकले भी तो मास्क लगाकर निकले, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।